सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के YouTube चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, इनकम टैक्स में नोटिस आ रहा है सब लोगों को, तो अब उसका रिप्लाई कैसे करें। तो भाई, जब भी कभी आपको नोटिस आए तो सबसे पहले समझ लेना कि नोटिस के अंदर कमी क्या है। तो पहले इस चीज को ध्यान में रखो, हमारे किसी क्लाइंट को नोटिस आया असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, और 22-23 के असेसमेंट ईयर में क्या लिखा इन्होंने कि भाई साहब, आपने अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है उसमें 6,39,700 रुपए की इनकम दिखाई है और 1,33,000 रुपए का रिफंड क्लेम किया है। तो अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो तो आप पहले इस नोटिस को समझ लेना। तो उन्होंने कहा साहब हाँ, क्या गलत करा हमने भाई, 6,40,000 की इनकम दिखा दी, 1,33,000 का रिफंड कर लिया। उन्होंने कहा भाई साहब, आपकी ITR हमने चेक करी है तो आपने डिडक्शन लिए 10-13A की, मतलब HRA क्लेम लिया है 3,00,000 रुपए का, और आपने 1,99,000 रुपए दिखाए हैं 24B में। 24B किसके लिए होता है कि भाई आपने इंटरेस्ट पेड करा है ऑन हाउसिंग लोन, और उन्होंने क्या बोला है कि भाई 1,50,000 रुपए आपने क्लेम करे हैं किसके, 80C की डिडक्शन के, और सेक्शन 80D में करे हैं क्लेम 75,000, और 80DD में करे 1,25,000। अब ये वाली डिडक्शन क्लेम कर ली, नोटिस आ गया, अब क्या करना है, ठीक है ना। साथ में इन्होंने कहा कि भाई आपके पास, ठीक है ना, रिप्लाई करना है, ठीक है, आपको रिप्लाई करना है। सर क्यों करना है रिप्लाई हमारे को? हाँ जी बिल्कुल, रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे रिप्लाई? तो सर इसका रिप्लाई करे तो करे कैसे, क्योंकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने सेक्शन 133, ठीक है ना, अंडर सबसेक्शन 6 के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन मांगी है। और एक बात और समझ लेना इस चीज की, ठीक है, ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी, अगर आप इसका रिप्लाई नहीं देते तो आपको 500 रुपये पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। कितने रुपये पर डे की? 500 रुपये पर डे की। सर गलती हो गई, ठीक है ना, गलत डिडक्शन क्लेम कर ली, अब क्या करें? भाई देखो, पहले अगर आपने HRA क्लेम किया हुआ है तो अब आपको क्या देना है, ठीक है ना, रेंट रिसिप्ट देनी है कि साहब मैंने जो HRA क्लेम करा था तो मैं रेंट पे करता था, उसकी रेंट रिसिप्ट देनी है, रेंट एग्रीमेंट देना है, ठीक है ना भाई। जिसे आप रेंट पे कर रहे हो तो उसकी रेंट रिसिप्ट और रेंट पेड, और जो HRA आपने क्लेम करा है, ठीक है, वो आपके फॉर्म 16 में तो आ ही रहा होगा। तो आप बस ये प्रूफ कर दो कि भाई आप किराए के घर में रहते थे और आप रेंट पे करते थे, आपके पास रेंट एग्रीमेंट है, रेंट रिसिप्ट है, तो आपका HRA क्लेम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको प्रूफ करना है कि भाई HRA क्लेम आपका हम क्यों दें, ठीक है। इसके बाद सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, तो भाई अगर आपने डिडक्शन क्लेम करी तो भाई आपने हाउसिंग लोन लिया होगा, आपने घर लिया होगा। अब यहाँ पर दोनों ही डिडक्शन कंट्राडिक्ट है, क्योंकि एक तरफ तो आप HRA क्लेम कर रहे हो और एक तरफ आप 24B में कह रहे हो मेरे पास घर है जो मैंने लोन पर लिया है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपका घर दूसरी स्टेट में हो और आप रहते दूसरी स्टेट में हो, तभी तो आप HRA क्लेम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों डिडक्शंस को अगर आप क्लेम कर रहे हो तो इसे बड़ा ध्यान से क्लेम किया जाता है कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, सर 80C के अंदर भी 1.5 लाख क्लेम कराए, तो भाई आप 80C में बताओ कि भाई बच्चों की स्कूल फीस पे करी है या नहीं करी। अगर स्कूल फीस पे करी है तो अगर आपने बैंक से पे करी है तो उसकी रिसिप्ट दिखा दो, अगर स्कूल फीस कैश में पे करी है तो स्कूल में जाओ, वहां से बोलो साहब हमने आपको स्कूल फीस पे करी थी, उसकी हमें रिसिप्ट दे दो क्योंकि हमारे को इनकम टैक्स का नोटिस आया है। मतलब कि डॉक्यूमेंट्स तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है, आपको बैंक से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके बाद 80D, भाई 80D के अंदर जो आपको क्लेम मिलता है, अगर आपने हेल्थ चेकअप कराया 5,000 रुपए का क्लेम मिल जाएगा, तो उसके पेपर आपके पास होंगे कि आपने किस लैब से हेल्थ चेकअप कराया वो दे दो, और आपने जो मेडिक्लेम कराया अगर बैंक से पेमेंट करी हुई है तभी आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है ना, या मतलब अदर देन कैश करी है तो आप वो मेडिक्लेम प्रूफ दे दो। इसके अलावा 80DD जो आपने ली है वो किस बेस पर ली है वो डिटेल दे दो। सर मेरे पे डिटेल है ही नहीं, कुछ की तो डिटेल है, कुछ की डिटेल है ही नहीं, कुछ तो मैंने ऐसे ही कर दी रिफंड क्लेम करने के चक्कर में। तो भाई मैं यहाँ पर ये कहूंगा जितनों की डिटेल है उतनों की डिटेल दे दो,
और बाद में बोल दो कि भाई साहब ये जो डिटेल है बाकी की हम नहीं दे पा रहे, ठीक है ना, ये डिटेल हम नहीं दे पा रहे, हमने गलती से क्लेम कर ली, तो फिर इनकम टैक्स क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, टैक्स जमा करवाएंगे और पेनल्टी लगाएंगे, वो प्यार से पे कर देना, ठीक है ना सर। क्यों कर दे पेनल्टी पे, भाई तुमने चोरी करी, तुम पकड़े गए तो पेनल्टी पे नहीं करोगे, और तुमने आईटीआर ये किससे भरवाई होगी, गारंटेड बता रहा हूं जाकर, खुद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ये आईटीआर किससे भरवाई होगी जो आपको ये दोनों डिडक्शन दिलवा रहा है, एचआरए भी दिलवा रहा है, 24B भी दिलवा रहा है, ठीक है, दोनों डिडक्शन आपस में मिलती नहीं है, समझ में आई किस केस में मिलती है, बहुत रेयर केस होते हैं जब ये मिलती है आपको, तो आप ये दोनों डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब समझ लो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कितने रुपए में आईटीआर भरी होगी। अब जितने रुपए में तुमने आईटीआर भरवा कर मजे से रिफंड क्लेम कर लिया, मजे से क्या कर लिया, रिफंड क्लेम कर लिया, अब ये जितना क्लेम करा है ना ये सारा वापिस हो जाएगा, इंटरेस्ट भी चला जाएगा, पेनल्टी भी चली जाएगी। तो भाई आईटीआर का सीजन है, ऐसे अंडरसंड काम मत करो, और अगर किसी क्लाइंट के लिए ऐसे काम कर रहे हो तो उसे समझा तो दो कि भाई हमने तुम्हारे गले में फांसी का फंदा लटका दिया है, ठीक है। तो भाई अगर आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो तो पहले उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए, तभी क्लेम करो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ आई ये वीडियो। और अगर आपको पता है कि भाई आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, कौन कौन से अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, अगर नहीं पता तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। अगर तुम्हारे को टैक्स कमी देना था, अगर तुम्हारे को टैक्स कमी देना था, ऐसे अलाउंसेस लेते, ठीक है ना, जो कि आप यूज कर रहे होते हो, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंसेस, जैसे डेली अलाउंसेस, जैसे हेल्पर अलाउंसेस, ये वाले अलाउंसेस लेते ना, ठीक है ना, आपने ले लिए उल्टे सीधे अलाउंसेस, ठीक है, ये अलाउंसेस सबको मिलते भी हैं और इस पर टैक्स भी नहीं लगता, ठीक है, आपको अपनी आईटीआर में ये क्लेम करने थे। तो अगर ऐसी बहुत सारी जानकारी चाहते हो तो ये इनकम टैक्स रिटर्न का पूरा कोर्स और बैलेंस शीट का पूरा कोर्स मात्र मिल रहा है, फटाफट फोन घुमाइए, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए और नॉलेज बढ़ाकर ही आईटीआर भरे, सिर्फ 20 घंटे का कोर्स है, ठीक है ना, 20 घंटे के कोर्स में लगाओगे 2500, फायदा होगा 2.5 लाख रुपए का, समझ रहे हो, समझ में आ गई मेरी बात, यानी तो इस कोर्स को देखने का बाद ही आईटीआर भरे, नहीं तो अगले साल तुम्हारे क्लाइंट्स को भी 133.6 आएगा, फिर वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा आगे, समझ में आई मेरी बात। तो आईटीआर भरने से पहले नॉलेज लेकर काम करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, कितने रुपए लिए होंगे, ठीक है, इस आईटीआर को भरने के, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से स्वागत, धन्यवाद।